गुलाबी निखार पाने के लिए चेहरे पर लगाएं गुलाब के फूल। गुलाब का फूल दिखने में जितना ही खूबसूरत लगता है, उसकी पंखुड़ियों की खुशबू उतनी ही मनमोहक होती है। इसलिए गुलाब का फूल सभी को पसंद होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, गुलाब का फूल दिखने में जितना खूबसूरत होता है, उतनी ही गुलाब की पंखुड़ियां स्किन के लिए फायदेमंद मानी जाती हैं। जी हाँ, गुलाब की पंखुड़ियों से बना फेस पैक त्वचा को मुलायम बनाता है। साथ ही इस फेस पैक को लगाने से त्वचा पर निखार भी आता है। गुलाब की पंखुड़ियों का फेस पैक चेहरे पर लगाने से स्किन संबंधी कई परेशानियां दूर होती हैं। आइए जानते हैं चेहरे पर गुलाब का फेस पैक लगाने के क्या-क्या फायदे होते हैं और इन गुलाब के फूलों से फेस पैक कैसे बनाएं। नंबर 1, दूध और गुलाब के फूल का फेस पैक बनाएं। गुलाब के फूल का फेस पैक कैसे बनाएं? दूध स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। दूध में मॉइस्चराइजिंग गुण होने के साथ साथ क्लिंजिंग गुण भी पाया जाता है। यह आपकी स्किन को गहराई से साफ करके आपकी स्किन को मुलायम और चमकदार बना देता है। साथ ही साथ अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा काली हो गई है या धूप की वजह से त्वचा पर टैनिंग हो गई है, तो उसे दूर करने के लिए दूध बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। फेस पैक बनाने का तरीका। गुलाब के फूलों का फेस पैक कैसे बनाएं ये जानना चाहती हैं तो मैं आपको बता दूं कि दूध को अगर गुलाब के फूल के पेस्ट में मिलाकर लगाया जाए तो आपकी त्वचा की सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। इसके लिए आपको गुलाब के कुछ पंखुड़ियों को पीस लेना है और फिर इसमें 3 से 4 चम्मच के करीब दूध मिलाना है। दूध कच्चा होना चाहिए। दोनों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद अपने चेहरे पर लगाएं। आप चाहें तो गर्दन पर भी लगा सकते हैं। इसे लगाने के बाद 30 मिनट के लिए ऐसे ही लगा छोड़ दें। उसके बाद सादे पानी से धो लें। सप्ताह में 2 से 3 बार इसे लगाने के बाद आपकी सुंदरता बढ़ जाएगी और आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा गोरी होती जाएगी। नंबर 2, चंदन पाउडर और गुलाब के फूलों का फेस पैक। चंदन पाउडर गुलाब के फूल का फेस पैक बनाकर लगाने से आपकी त्वचा बहुत ही ज़्यादा गोरी और बहुत ज़्यादा मुलायम हो सकती है, क्योंकि चंदन पाउडर स्किन को वाइट करने में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। और अगर आप इसे गुलाब के फूलों के साथ मिलाकर लगाते हैं तो ये आपको और भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देगा। फेस पैक बनाने का तरीका। सबसे पहले आपको लेना होगा 2 से 3 गुलाब के फूल और इसे अच्छी तरह से पीस लें। अब इसमें चंदन पाउडर और दूध मिलाकर इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार करें। इसे अपने चेहरे पर लगाएं और फिर जब यह सूख जाए तो अपने चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लें। इस फेस पैक को आप सर्दियों में, गर्मियों में, किसी भी मौसम में लगा सकती हैं। यह आपकी स्किन पर बहुत ही बेहतर रिजल्ट देगा और आपकी स्किन की सारी समस्याओं को भी दूर करेगा, जैसे पिंपल, दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। नंबर 3, शहद और गुलाब के फूल का फेस पैक। आपको सबसे पहले 2 से 3 गुलाब के फूलों की जरूरत होगी। गुलाब के फूलों को अच्छी तरह से धोकर मिक्सी जार में डालकर अच्छी तरह से पीस लें और फिर इसमें 2 से 3 चम्मच शहद मिला लें। अब इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं और हल्के हल्के हाथ से मसाज करें। 15 से 20 मिनट के बाद इसे सादे पानी से धो लें। इससे आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और ग्लोइंग हो जाएगा और चेहरे पर निखार भी आएगा। नंबर 4, एलोवेरा और गुलाब के फूल का फेस पैक। एलोवेरा आपकी स्किन की ड्राइनेस को और झुर्रियों को, कालेपन को और पिगमेंटेशन, पिंपल, दाग धब्बे को दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। और अगर गुलाब के फूल इसमें मिले हुए हों तो यह और भी बेहतर रिजल्ट देता है। इसलिए एलोवेरा और गुलाब के फूल का फेस पैक बनाकर लगाना चाहिए। फेस पैक बनाने का तरीका। 2 गुलाब के फूल की पंखुड़ियों को अच्छी तरह से पीस लेने के बाद इसमें 3 से 4 चम्मच एलोवेरा जेल मिला लें और फिर इसमें थोड़ा सा गुलाब जल भी मिला सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसे अपने चेहरे पर लगाएं और 25 से 30 मिनट के लिए लगा हुआ छोड़ दें।
जब यह अच्छी तरह से सूखने लगे तो इसे सादे पानी से धो लें। नंबर 5, दही और गुलाब के फूल का फेस पैक। दही हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। जिस तरह दही खाने से सेहत को कई फायदे मिलते हैं, उसी तरह से स्किन को भी निखारने के साथ साथ दही अंदर से साफ और हाइड्रेट करती है, जिससे कि आपकी स्किन खिली हुई और बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है। दही और गुलाब के फूल का फेस पैक कैसे बनाएं? फेस पैक बनाने का तरीका, सबसे पहले गुलाब के फूलों को अच्छी तरह से सुखा लें और इसे पीसकर इसका पाउडर बना लें। गुलाब के फूलों का पाउडर कैसे बनाएं ये नहीं पता है तो आपको हम बता दें कि आप गुलाब के फूलों को पीसकर इसका पाउडर बना सकते हैं। अब आप गुलाब के फूल के पाउडर में 3 से 4 चम्मच दही मिलाएं। दोनों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद अपने चेहरे पर लगाएं। यह सुंदर सा फेस पैक आपके चेहरे को इतना ज़्यादा सुंदर बना देगा कि आप बस देखती रह जाएंगी, क्योंकि अगर आपके चेहरे पर झुर्रियाँ हैं, डार्क सर्कल हैं, या फिर पिगमेंटेशन या टैनिंग है, या ब्लैक हेड्स हैं, तो वह भी दूर हो जाएंगे और आपकी स्किन अंदर से हाइड्रेट होकर खिल उठेगी। नंबर 6, नींबू और गुलाब के फूल का फेस पैक। नींबू चेहरे को गोरा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होता है। अगर आप इसे अपने पूरे नहाने के पानी में मिलाकर नहाएं तो यह आपके पूरे शरीर को गोरा बना सकता है। नींबू में विटामिन सी, सिट्रिक एसिड के साथ कई ऐसे तत्व होते हैं जो स्किन को निखारते हैं और दाग धब्बों को हल्का करते हैं। अगर इसे गुलाब के फूल के साथ मिलाकर लगा लिया जाए तो आपको हैरान कर देने वाले रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लगाने का तरीका, सबसे पहले आपको लेने होंगे गुलाब के कुछ फूल और इसे अच्छी तरह से साफ करके पीस लें। अब आपके पास गुलाब के फूल का पाउडर बनकर तैयार है। अब आप गुलाब के फूल के इस पाउडर में 2 चम्मच नींबू का रस और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो इसमें 2 चम्मच शहद मिला लें। अगर स्किन नॉर्मल है तो इसमें 2 चम्मच दूध मिला लें। तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसे अपने चेहरे पर लगाएं और फिर 25 से 30 मिनट के लिए लगा हुआ छोड़कर फिर अपने चेहरे को सादे पानी से धो लें। अगर आपका काला चेहरा है तो बहुत ज़्यादा गोरा हो जाएगा। कुछ दिनों तक इस गुलाब के फूल का फेस पैक को लगाने से आप देखेंगे कि आपकी काली स्किन गोरी होने लगी है। नंबर 7, ग्लिसरीन और गुलाब के फूल का फेस पैक। ग्लिसरीन और गुलाब के फूल का फेस पैक बनाकर लगाने से अगर आपकी स्किन सर्दियों में रूखी और बेजान हो गई हो या फिर आपकी स्किन खुरदरा हो तो आप इस फेस पैक को लगाने के बाद बहुत चिकनी और चमकदार त्वचा पा सकते हैं और आपके चेहरे के दाग धब्बे मुहांसे दूर हो जाएंगे। फेस पैक बनाने का तरीका, सबसे पहले आपको लेना होगा 2 से 3 गुलाब के फूल, उसे अच्छी तरह से पीस लें और फिर इसमें 2 से 3 चम्मच ग्लिसरीन मिलाएं। दोनों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसे अपने चेहरे पर लगाएं और 10 मिनट तक हल्के हाथ से मसाज करें। उसके बाद इसे 25 से 30 मिनट के लिए अपने चेहरे पर लगा हुआ छोड़ दें और फिर गुनगुने पानी से अपने चेहरे को धो लें। आप चाहें तो आप इसे अपने हाथों पर और गर्दन पर भी लगा सकती हैं। इससे हाथ पैर बहुत ही ज़्यादा मुलायम हो जाते हैं और झुर्रियाँ भी दूर होती हैं। नंबर 8, नारियल तेल और गुलाब के फूल का फेस पैक। गुलाब की पंखुड़ियाँ और नारियल तेल से बना फेस पैक भी कमाल कर सकता है। इसके लिए आपको गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों को सुखा लेना है। सूखने के बाद इनका पाउडर बना लें। फिर फेस पैक के लिए 2 चम्मच नारियल तेल में 4 से 5 चम्मच गुलाब की पंखुड़ियों का पाउडर मिलाएं। आप इसमें लेवेंडर ऑयल भी मिला सकती हैं और इनको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं, फिर इसको 15 से 20 मिनट के बाद साफ पानी से धो लें। इससे त्वचा को नमी मिलेगी, चमक और खूबसूरती भी बढ़ेगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी स्वास्थ्यवर्धक जानकारी की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। स्वस्थ रहो और मस्त रहो।